नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। जयपुर में जेकेके में रंगनायन में बुनकर सेवा समिति और स्काईलिंक इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग के तत्वाधान में 3 दिवसीय नवेशिर्ती कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर पूनिया ने कहा कि हैंडलूम को बढ़ावा देने का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री का नारा स्वरोजगार का सपना साकार नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्लास्टिक और कागज के परिधान बनाना भी एक अजूबा है जो स्काई लिंक के स्टूडेंट्स ने करके दिखाया है। वहीं SII FD डायरेक्टर नरेश कश्यप ने बताया कि 3 दिन के कार्यक्रम में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें पहले 2 दिन फैशन शो और टॉक शो होगा, तीसरे दिन इंटरनेशनल लेवल पर ऑनलाइन साड़ियों का ऑक्शन होगा। देखिए, युगानुकूल तरीके से किसी देश की अर्थनीति बदलना ये समय की मांग हो सकती है, लेकिन भारत की ताकत तो उसके अपनी जो आत्मनिर्भरता थी, उसका जो स्वावलंबन था, जो उसके हस्तशिल्प था, जो हथकरघा था, जो बुनकर थे, हाथों का जो काम होता था, उसने उस गांव की अर्थव्यवस्था को ताकत दी थी। और इसलिए प्रधानमंत्री जी जिस आत्मनिर्भर भारत की बात कहते हैं, जिस MSME को, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन की बात करते हैं, और उसमें यही उसकी उदात्त भावना है कि देश के अपने पारंपरिक उद्योग धंधे जो देश की ज़रूरतें पूरी करें। और आज पूरा देश और दुनिया एक बार फिर से पुरातन उस तरीके के वस्त्रों की तरफ, और आप देख सकते हैं कि कॉटन के हाथ से बने वस्त्रों की डिमांड यूरोप में सर्वाधिक है, जिनका इस तरीके के वस्त्रों से कभी ताल्लुक नहीं होता था, जो पूंजीपति विकसित देश है। इसका मतलब भारत के उस आर्थिक तंत्र में स्वावलंबन की, हस्तशिल्प की पूरी ताकत है। आज ये जो नवाचार हुआ, जो शुरुआत हुई, और जिसको फैशन डिजाइनिंग कहते हैं, वो मुझे अभी बताया कि नव वेश नीति हुआ भारत की, कि परिधान जो हो वो भारत का परिधान दुनिया पहने, क्योंकि योग को तो अपना लिया लेकिन भारत के परिधान को अपनाए, तो भारत के जितने बुनकर हैं, जितने हथकरघा हैं, हस्तशिल्प हैं, उनको ताकत मिले। तो इस तरीके के कार्यक्रम वो समाज को और उन लोगों को ताकत देते हैं जो नीचे ज़मीनी तौर पर बुनियादी काम करते हैं। देखिए, प्लास्टिक रिसाइकिल एक शब्द नहीं है, ये एक पूरा विकास की मुहिम है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे विश्व में पर्यावरण बिगड़ रहा है, उस पर्यावरण को बचाने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। इसमें जो स्काईलिंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, उसने एक थीम ली है कि यदि हम कोई भी कार्य करते हैं उससे पर्यावरण को क्या सुरक्षा मिल सकती है, संरक्षण मिल सकता है, इसलिए हम लोगों ने ये थीम रखी है। और इसमें मूल रूप से यदि देखें तो जो बॉटल्स होती हैं उनका धागा बनेगा। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।